नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रंटिल सिलेक्शन में। उम्मीद है आपकी आप अच्छे होंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन आंसर सीरीज का अगला पार्ट है। इस सीरीज के माध्यम से हम आप लोग का डाउट लेते हैं और डाउट के धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से जवाब देते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है नीलम श्री जी का क्वेश्चन है कि सर जी, साउथ सेंट्रल रेलवे में मौला अली में आप बोल रहे हैं कि 450 का हुआ है, लेकिन कुछ लोग हमें बोल रहे हैं कि 115 कैंडिडेट का ही ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है 27/12/2022 से लेवल 6 का। प्लीज़ कंफर्म कर दिया। हाँ, मेरे अनुसार के वहाँ एक लड़का से मेरा दोस्त है, अमित पाटिल जी मेरे फ्रेंड है, उसके अनुसार 400+ कैंडिडेट का। देखिए, मेरे एक फ्रेंड है अमित पाटिल जी, उनसे मेरी बात हुई, बोले कि 400+ कैंडिडेट का ट्रेनिंग अभी हो रहा है ZRTI मौला अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हिमांशु सिंह का क्वेश्चन है कि भाई, मेरा SSC MTS का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और NTPC का DB19 को हो गया है, MTS की जॉब लीव करने में कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो अकॉर्डिंग टू मी आप अभी MTS ज्वाइन मतलब नहीं कीजिए। अगर आपको फाइनेंस देखिए दो है प्रॉब्लम, अगर आप मेडिकल फिट हैं पूरी तरह से, मतलब आपका आई वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं है आप। अगर आप इसमें भी अगर आप फाइनेंशियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप MTS अभी ज्वाइन नहीं कीजिए। अगर रिलेटेड है, पैसा से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो MTS ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। SSC है ना, NOC देने में कोई प्रॉब्लम नहीं करता। चलिए, कृष्णा IQ मैथ का क्वेश्चन है कि सर, मेरा लेवल 5 में हो गया है, मेरे ऊपर कोर्ट केस चल रहा था जो कि फरवरी 2022 में केस क्लोज हो गया, शपथ पत्र भरते समय यस या नो करें? हाँ, आपको यस ही करना पड़ेगा। आप उसमें प्रॉपर डिटेल लिख दीजिएगा कि ऐसा ऐसा केस था जो कि फरवरी 2022 में ख़त्म हो गया। चलिए आगे है, वंदना का क्वेश्चन है, मिस वंदना जी का, भैया मालदा जोन से लेवल 5 में 3 नंबर ज़्यादा है, कोई चांस है क्या? आपका टाइपिंग पोस्ट है क्या? अगर टाइपिंग पोस्ट है ना तो चांस है, अगर नॉन टाइपिंग पोस्ट है तो चांस कुछ कम लग रहा है। चलिए, शिवम गुप्ता का क्वेश्चन है कि ब्रो, मेरा कोलकाता सेंट साउथ सेंट ईस्टर्न रेलवे से ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, सबको आ गया है, मेल नहीं आया, मुझे कैसे पता चलेगा कि ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा, प्लीज़ है। हाँ, तो देखें, साउथर्न ईस्टर्न रेलवे में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। अच्छा, सबका आ गया मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप जितने कैंडिडेट को जानते हैं सबका ज्वाइनिंग लेटर आ गया? देखिए, उनसे आप पता कीजिए कि ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित कैसे जानकारी मिल रहा है। तो उम्मीद है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर भी, उम्मीद अभी नहीं आया होगा, आ भी जाएगा, मतलब कुछ दिन बाद आ जाएगा। देखिए, ज्वाइनिंग लेटर है ना, बाय पोस्ट से भी आता है और बाय मेल से भी आता है, डिपेंड करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको भी आगे आ जाएगा भाई आपका ज्वाइनिंग भी। मौला अली ट्रेनिंग सेंटर का हॉस्टल फैसिलिटी का वीडियो और ऑल फैसिलिटी का वीडियो बनाइए। हाँ जरूर, इस पर हम काम कर रहे हैं, जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, 1-1 सप्ताह के अंदर इस पर एक वीडियो आ जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन है कि SCR में कम मार्क वाले को ले लिया है, कोई आइडिया किस बेसिस पे लिया है उन लोगों को? अच्छा, साउथर्न सेंट्रल रेलवे में कम मार्क वालों को लिया है। अच्छा, आप बोलना कर चाह रहे हैं कि 450 कैंडिडेट का जो ट्रेनिंग में नाम आया है उसमें कम मार्क वाले को ही ले लिया है और आपका ज़्यादा मार्क है उस पर नहीं आया लिया है। देखिए, मेरे अनुसार है ना, वो ज़्यादा मार्क वाला का ही लिया है, कम मार्क वाला का नहीं लिया है। आप इस पर डाउट क्लियर कर लीजिए। BKS इंटरटेनमेंट का क्वेश्चन कि मेरा ट्रेन मैनेजर कोलकाता जोन में हुआ है, मेडिकल हो गया है और I6/6 था, कंफर्म है कि पैनल में नाम आएगा और अभी ग्रुप डी का रनिंग है, क्या करूं, रनिंग करूं या नहीं, प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो ऐसा कीजिए, आप रनिंग छोड़ दीजिए, आप रनिंग को स्किप कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बेरोजगार भाई को रोजगार मिल जाएगा, उससे ज़्यादा पुण्य का काम आई थिंक दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको पूरा डाउट है, पूरा कन्फर्म है कि आपका पैनल में नाम आ जाएगा, तो आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं रनिंग को। एक क्वेश्चन है कि MD अली का क्वेश्चन है, बेंगलोर जोन का लेवल 6 का ट्रेनिंग पूरा कर लेवल 5 का ट्रेनिंग स्टार्ट होगी कि अलग अलग? उम्मीदता देखिए, जैसे अभी जो लेवल 6 का ट्रेनिंग का उसका आया है बेंगलोर का, उसके अनुसार तो 2024 अप्रैल तक ट्रेनिंग चलेगा। मेरे अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए कि आपको देखिएगा ना, एक लिस्ट जरूर आएगा कि जिसमें लेवल 5 का भी ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, दोनों का ट्रेनिंग साथ साथ ही होगा। ऐसा नहीं है कि 2024 में लेवल 6 का ट्रेनिंग खत्म होगा फिर लेवल 5 का ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, इसका मतलब तो 2026 तक लग जाएगा ट्रेनिंग करवाते करवाते हैं, ऐसा नहीं होगा। नीरू शर्मा का क्वेश्चन है कि सर प्लीज़ रिप्लाई, मैं अजमेर जोन से हूँ, DB भी देख के आ गया और मेरा मार्क गुड्स गार्ड की कट ऑफ से 2.1 कम है, तो क्या मेरा गुड्स गार्ड में हो सकता है, इसके कितने चांस है कि मेडिकल A2 फिट हूँ? अच्छा, मेरा मार्क्स गुड्स गार्ड की कट ऑफ से 2.1 कम है। अगर आपका मार्क्स गुड्स गार्ड की कट ऑफ से कम है तो गुड्स गार्ड में आपका कैसे हो सकता है, इसमें से कोई चांस ही नहीं है। अगर आप A2 फिट हैं तो आपको गुड्स गार्ड नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई हैं तो आपको लेवल 5 का दूसरा पोस्ट मिल जाएगा।
चलिए आगे आगे क्वेश्चन है कि पूजी का क्वेश्चन है कि आरआरबी चेन्नई लेवल 6 जिसका 2 जनवरी और 3 जनवरी को डीवी एंड मेडिकल है, उसका ब्लॉक डेट कब है। देखें जो एडमिट कार्ड है ना, जिसमें कि 2 जनवरी और 3 जनवरी को डीवी और मेडिकल के बारे में लिखा हुआ है, उस एडमिट कार्ड के नीचे ब्लॉक डेट भी रहता है, तो आप उनसे संपर्क कर लीजिए जिनका एडमिट कार्ड आ गया होगा। अगर अगर आपको ज़्यादा इस अपने अनुसार आप पता करने की कोशिश कीजिए, अगर आपको पता नहीं चलता तब आप हम दोबारा मैसेज कीजिएगा मेरे इंस्टा आईडी पे, हम आपको ब्लॉक डेट उसका बता देंगे। एक क्वेश्चन है सत्यम उपाध्याय का क्वेश्चन है कि भाई मुंबई साउथर्न सेंट्रल रेलवे की ट्रेनिंग किस ZRTI में होगी। अच्छा मुंबई SCR की। देखिए उम्मीद तो आपका ट्रेनिंग भी मौला अली में ही होगा, और मौला अली का अगर हो सकता है क्या, कभी कभी अगर ट्रेनिंग से ट्रेनिंग ज़्यादा हो जाता है ना तो उसको दूसरे ZRTI में भेज देते हैं, तो आपको वो भुसावल ZRTI भी भेज सकते हैं। और हाँ ZRTI मौला अली का सेकेंड बैच कब तक आएगा, तो आपका सेकेंड बैच भी आई थिंक इस मंथ के लास्ट तक आ जाना चाहिए, नहीं तो फरवरी के फर्स्ट वीक में। आयुष यादव का क्वेश्चन है कि क्या चेन्नई जोन का भी ज्वाइनिंग SIM का 2024 तक होगा या इसके पहले होगा। हाँ 2024 से पहले ही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, वेट कर लीजिए। देखिए जैसे अभी सेकेंड बैच चल रहा है ना, 9 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, तो थर्ड बैच भी आई थिंक फरवरी के फर्स्ट वीक में ही शुरू हो जाएगा। इसी तरह सभी बैच हो जाएगा, 2024 नहीं जाएगा, मेरे ख्याल से अप्रैल तक सभी को बुला लेंगे, मार्च अप्रैल तक वो सभी कैंडिडेट को बुला लेंगे ट्रेनिंग के लिए, अप्रैल या तो मई तक। तो अप्रैल मई मान के चलिए, तो मई जून जुलाई अगस्त मतलब अक्टूबर सितंबर अक्टूबर ओवरऑल मैक्सिमम भी मानिएगा ना, सितंबर अक्टूबर तक सभी कैंडिडेट का ट्रेनिंग हो जाएगा चेन्नई में। हाँ चमन प्रकाश जी का क्वेश्चन है कि भाई मेरा लेवल 6 का मेडिकल हो गया है, लेकिन कंफर्म कैसे होगा कि मेरा A2 फिट है भाई, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए ये कंफर्म तभी होगा जब आपका मेडिकल स्टेटस आएगा ना, तभी इसमें पता चलेगा कि आप A2 फिट हैं या A2 एंड बिलो या A3 फिट हैं। इसके इसके मतलब इसका कोई और दूसरा सेकेंड ऑप्शन नहीं है पता करने का। अमित सोनी जी का क्वेश्चन है कि सर कैसे पता चलेगा कि प्राण नंबर मेरा क्रिएट हुआ है या नहीं, क्योंकि ग्रुप डी छोड़ने के पहले तक मेरा क्रिएट नहीं हुआ था। अच्छा आप ग्रुप डी में कितने दिन जॉब किए थे। देखिए हम जब शुरू में जॉब किए थे ना, तो उम्मीदता 2 से 3 महीना में प्राण नंबर क्रिएट हो जाता है। अगर आप 3 मंथ से ज़्यादा जॉब किए होंगे ना, तो ज़रूर आपको प्राण नंबर क्रिएट हो गया होगा। आप अपने बोर्ड से पता कर लीजिए कि आपका प्राण नंबर क्रिएट हुआ है कि नहीं। हेलो भाई मेरा सिलेक्शन MTS में हो गया है और ज्वाइनिंग भी आ गया है, और NTPC लेवल 5 का पैनल लिस्ट में मेरा नाम है। अच्छा क्या मुझे MTS ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। अच्छा MTS का हो गया और ज्वाइनिंग भी आ गया और NT5 पैनल लिस्ट में मेरा नाम है। देखिए प्लीज़ इसके ज्वाइनिंग कब तक आ सकते हैं। देखिए कर कह सकते हैं आप MTS को स्किप कर दीजिए, उसका ज्वाइनिंग मत कीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे एक बेरोजगार कैंडिडेट को MTS आपके बदले दूसरे को नौकरी मिल जाएगी, और आपका पैनल में जब नाम आ ही गया है तो क्या होगा, 2-3 महीना लेट ही होगा, लेकिन आपका ज्वाइनिंग तो कन्फर्म हो ही जाएगा ना। इससे किसी का भला हो रहा है तो भला कर दीजिए। अगर आप दूसरे एग्जाम का तब तक प्रिपरेशन कीजिए। चेन्नई JA का ट्रेनिंग कब शुरू होगा। पैनल 17 दिसंबर को ही आया था। देखिए होगा क्या, जैसे अभी तो जैसे स्टेशन मास्टर का ट्रेनिंग चल रहा है चेन्नई में, उसके बाद फिर इसके साथ साथ गुड्स गार्ड का चलेगा, तो उम्मीद था आपका ट्रेनिंग है ना, ये मान लीजिए क्या मई जून जुलाई तक आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, जुलाई या अगस्त से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए, मे भी संभावना है ऐसा। प्रियंका चौधरी जी का क्वेश्चन है कि मेरा सीनियर क्लर्क में एग्जैक्ट कट ऑफ पे क्लियर हुआ है, मेडिकल फिट है, तो मेरा नाम पैनल में आ जाएगा ना, RRB जम्मू से हूँ। हाँ आपका नाम पैनल में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। आगे क्वेश्चन है शिवंकर सिन्हा का क्वेश्चन कि भाई ये नॉर्थ रेलवे वाले में वैकेंसी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है कुछ बताया, क्योंकि सिलेक्शन CA इलाहाबाद से हूँ, फाइनल पैनल 14 नंबर को ही आया था, बट अभी तक उसका डिवीजन अलॉटमेंट से रिलेटेड या ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, जबकि NCR वाले 3। अच्छा देखिए हम इसके रिगार्डिंग है ना एक RTI भी लगाए थे, RTI में लिखा था कि मेरे पास इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं है, यही सब RTI में आया था। देखिए नॉर्मली वैकेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, कुछ कम होता है, लेकिन आपका जब पैनल में नाम आ गया है ना तो आपका कंफर्म है कि वो आपको ज्वाइनिंग करवा सकता है, जब करवा ही लेगा, ये संभावना हो सकता है कि आपको अपने बोर्ड में ना करवा ले, बगल वाले बोर्ड में दे सकते, ये आखिरी संभावना है। शुभम सिंह का क्वेश्चन है कि सर ICF के बारे में कुछ बताइए, मेरा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ICF में हुआ है चेन्नई बोर्ड से, वहाँ 4 जनवरी को रिपोर्ट करने के लिए बोला गया, क्या मुझे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी वहाँ जाने के बाद या कुछ दिन रुकना पड़ेगा। देखिए अगर 4 जनवरी को बुलाया है ना चेन्नई बोर्ड में, तो आप तो पहले रिपोर्ट कीजिए,
होगा क्या आपके आपके मतलब आपके पोस्ट का ट्रेनिंग भी होगा, तो उम्मीद था अगर आप रिपोर्ट कर दीजिएगा उसके बाद होगा क्या, मेरे अनुसार आपको घर भेज दिया जाएगा। घर भेजने के कुछ दिन बाद आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर आएगा, तो ज्वाइनिंग तो हो जाएगा आपका लेकिन ट्रेनिंग नहीं होगा। सर मेरी आई 1.75 बहुत है, क्या बी टू मेडिकल फिट हो जाऊँगा? आप देखिए बी टू मेडिकल की कैटेगरी क्या है, 4 डायोप्टर होना चाहिए दोनों आई, एक आई 4 डायोप्टर, दूसरा आई भी 4 डायोप्टर, तो 4 डायोप्टर के अंतर्गत है तो आपका बी टू मेडिकल फिट हो जाएगा। राहुल सिंह ठाकुर का क्वेश्चन है कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस गुड्स गार्ड है और मैंने गुड्स गार्ड की कट ऑफ और जूनियर अकाउंट का भी कट ऑफ भी क्लियर किया है, यदि ए टू का मेडिकल फेल होने पर जूनियर अकाउंट की पोस्ट मिले क्या? हाँ कन्फर्म आपको जूनियर अकाउंट की पोस्ट मिल जाएगी। सूरज ठाकुर का क्वेश्चन है कि भाई लेवल 5 बालों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए लेटर कब तक आ सकता है? तो इसका जवाब कि लेवल 5 का जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना, तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आने लगा है लेवल 5 का, हाँ लेवल 5 का जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना तब आप तब ज्वाइनिंग लेटर में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का फॉर्म रहेगा। चलिए आई एम बिहारी का क्वेश्चन है कि प्लीज एड कमेंट सर, नमस्कार मैं रेलवे NTPC फॉर्म भरते समय स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी में था, चलिए अच्छा है, लेकिन उस समय विभाग से NOC नहीं मिली थी इसलिए फॉर्म में मेंशन नहीं कर दी, बाद में मुझे NOC मिल गया लेकिन DB में उसको नहीं लिया गया और डिवीजन में रिलीविंग जमा करने को बोला गया, मेरा पैनल स्टेशन मास्टर में बन गया और डिवीजन भी अलॉट हो गया, क्योंकि क्या करें मुझे ज्वाइनिंग से रोक देंगे, कृपया जानकारी दें, क्योंकि एक नौकरी से रिजाइन की बात है। नहीं आपको ज्वाइनिंग से नहीं रोकेंगे, आप उनको बोल देना आप सभी पेपर लेके आना NOC और रिलीविंग लेटर, अब वो आप सबमिट कर देना, आपको ज्वाइनिंग में नहीं रोकेंगे ये कन्फर्म है, आप निश्चिंत रहिए। सुबोध कुमार का क्वेश्चन है कि भाई बेंगलोरु का लेवल 5 का पैनल कब आएगा और मैंने ग्रुप D में हूँ, अच्छा रिजाइन का प्रोसेस कब से शुरू करूँ? अच्छा लेवल 5 का ब्लॉक डेट 21-22 दिसंबर था, NOC के लिए अप्लाई कर दिया हूँ, एक मंथ हो गया लेकिन अभी तक नहीं दिया है, SSC ऑफिस पहुंचने से बोलता है कि DPO ऑफिस में है अप्लाई डेट्स। अच्छा देखिए क्या कीजिए, आपका पैनल आने ही वाला है, लेवल 5 का पैनल कब, देखिए पैनल आ ही जाएगा, उम्मीद अभी सभी बोर्ड है ना धीरे धीरे काम कर रहा है और SM के कैंडिडेट का जो ट्रेनिंग चल रहा है ना सबसे ज़्यादा बर्डन हो गया है बोर्ड के ऊपर, तो इसीलिए आपका ट्रेनिंग का डेट आपका मतलब आ ही जाएगा, पैनल बहुत जल्दी ही आ जाएगा। NOC के लिए अप्लाई कर दिया हूँ, एक मंथ हो गया लेकिन अभी तक नहीं दिया, तो ठीक है NOC मिल जाएगा आपका, टाइम लग रहा है बोर्ड अभी सुस्त काम कर रहा होगा इसीलिए NOC आपका मिल जाएगा। देखिए योगेश मंदोई जी का क्वेश्चन है कि सेंट्रल रेलवे ज्वाइनिंग कब तक आएगा और ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी? सबकी एक साथ ट्रेनिंग होगी क्या भाई? देखिए सबकी एक साथ ट्रेनिंग नहीं होगी, अलग अलग ट्रेनिंग होगी, बैच बाय बैच करके बुलाते हैं। और ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा, देखिए ये तो अंदरूनी बात हो गई, इस पर हम RTI भी किए हैं ना एक दो, तो बोलते हैं कि इसके संबंध में RTI को कोई अधिकार नहीं है इसके संबंध में जानकारी देने को लेकर। आगे का क्वेश्चन है कि SR परमार जी का क्वेश्चन है कि टेरिटोरियल आर्मी ओनली स्टेशन मास्टर पे एप्लीकेबल होता है या गुड्स गार्ड पे भी? तो गुड्स गार्ड पे भी एप्लीकेबल होता है। आगे क्वेश्चन है कि कुमार सानू का क्वेश्चन है भाई फर्स्ट आफ्टर ट्रेनिंग या ट्रेनिंग के दौरान छोड़ते हैं तो क्या पेनल्टी देनी होगी और कितने देनी होगी? ग्रेड पे 4200 के ऊपर होगी तो भी बॉन्ड कैसे? अच्छा हाँ पेनल्टी आपको देनी होगी, पेनल्टी लमसम अगर ट्रेनिंग के दौरान छोड़ दीजिएगा ना, मतलब मान लीजिए कि अगर आप ट्रेनिंग के 2 महीना हम बताने चाह रहे हैं कि अगर आप 3 महीना ट्रेनिंग कर लिए तो लमसम आपका पेनल्टी आ जाएगा कितना, 3 से 4 लाख आपका पेनल्टी आ जाएगा। और हाँ और दूसरा क्वेश्चन है कि ग्रेड पे 4200 के ऊपर हो तो कोई जॉब तो भी बॉन्ड पे पैसा देना है? हाँ बॉन्ड पे अगर आपका डिपार्टमेंट आपको NOC नहीं दिया, मान लीजिए अभी रेलवे में काम कर रहे हैं और SSC में हो जाता है, तो आपका डिपार्टमेंट अगर आपको NOC नहीं देगा ना तब आपको पेनल्टी देनी होगी, अगर NOC दे देता है आपका डिपार्टमेंट तब आपको पेनल्टी नहीं देना होगी, बात NOC की है, मतलब अगर बोर्ड सहमत है तो आप दूसरे जगह जॉब कर सकते हैं बिना पेनल्टी दिए हुए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में 1 ईयर ज़्यादा होना चाहिए? अच्छा 1 ईयर हाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लगभग 2 साल मानता है, आप 2.5 साल लिखवा लीजिएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट में जो गैजेट ऑफिसर से साइन होता है ना। सर इंडेमनिटी बॉन्ड में सियोरिटी में किसी रेलवे एम्प्लॉय का ही साइन करवाना या फिर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का करवा सकते हैं? तो इसका आंसर है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का करवा सकते हैं, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 10 हो, बशर्ते अगर आप अभी करवा रहे हैं तो रिसेंट के मंथ का आपको वो देना पड़ेगा उसका सैलरी पे स्लिप, आपका पे स्लिप जो दीजिएगा ना रिसेंट मंथ का देना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन है क्या
एक क्वेश्चन है सर कि दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगे, जिसमें एक में गैजेट ऑफिसर का साइन मांगा है और दूसरे में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, तो क्लास वन में किस किस का साइन करवा सकता हूँ? अच्छा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, तो देखिए है क्या, मजिस्ट्रेट में आप SDO का साइन करवा सकते हैं और SDO से ऊपर DM का भी साइन करवा सकते हैं। CMO से करवा सकता हूँ कि क्या वो भी फर्स्ट क्लास ऑफिसर में है क्या? अच्छा, आप ब्लॉक के, अच्छा BDO से भी आप साइन करवा सकते हैं। CO गैजेट ऑफिसर होता है लेकिन वो फर्स्ट क्लास ऑफिसर नहीं होता है। CMO, अच्छा क्या वो भी फर्स्ट क्लास, क्या SDM SDO से ही साइन करवा, देखिए SDM या SDO से ही साइन करवा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। नमस्कार सर, RRB जम्मू और RRB चंडीगढ़ की ज्वाइनिंग को लेकर पहले से इंतजार और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच कल RRB चंडीगढ़ स्टेशन मास्टर 6 के लिए एक पैनल जारी कर दिया गया। स्टेशन मास्टर पद के लिए तीसरे DB के लिए शेड्यूल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए कैंडिडेट की लिस्ट भी दे दी, जबकि ज्वाइनिंग को लेकर तरह तरह की भ्रांति अभी भी चल रही है कि सीट नहीं है। ऐसा अफवाह है, अफवाह पर ध्यान नहीं दीजिए। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि अगर सीट नहीं है तो फिर दूसरे पैनल और तीसरे DB लिस्ट की कहाँ जरूरत है, या वो इतने पैनल बनाकर करेगा जब सीट ही नहीं है तो क्या वैकेंसी कम होने वाली बात गलत है? हाँ, वैकेंसी कम होने वाली बात गलत है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए, आप वेट कीजिए, आप जल्दी ही वो दूसरा पैनल भी जारी करेगा। चलिए, इसी ये देखिए गंभीर मुद्दा है, इस पर हम RTI भी लगाए थे, RTI का जवाब आ गया है, उसमें बोला था कि ये सब सूचना RTI के अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए अच्छा उसका वीडियो भी हम बना देंगे RTI से रिलेटेड। तो इस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट लाइक जरूर कीजिए। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आपका दिन